अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर नंबर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पार्ट नंबर 1 इज हाउ मेनी एलिमेंट्स अ प्रॉब्लम हैज. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं. देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. मार्क कर लें इसको. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड. Students, in this chapter we have discussed the process of problem solving. We have discussed flow chart in detail. तो problem के solution find करने की detailed process को हम क्या कहते हैं? Problem solving. तो option A is the right option. Mark कर लें. Part number 3 is a dash is an obstacle, hurdle, difficulty or challenge or any situation that needs to be removed or solved. Students, problem की definition में हम ये तमाम points discuss कर चुके हैं. Problem एक difficulty है, एक challenge है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम ये तमाम स्टेप्स फॉलो करते हैं और जिनके लिए हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट भी डिस्कस की है. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. मार्क कर लें. नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी गिव टू द कंप्यूटर एज रॉ मटेरियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ऑप्शंस है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड द एंड है आइडियाज. तो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल के तौर पे हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है? इनपुट है. रॉ मटेरियल को इनपुट कहते हैं. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 5 इज डैश इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, यानी कि इनपुट होती है, और फिर हम कैलकुलेशंस के बाद एक फाइनल रिजल्ट तक आते हैं. तो बेसिकली ये फाइनल रिजल्ट क्या है? आउटपुट. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. Part number 6 is which symbol is used to show decision process in the flowchart. Students, we have discussed flowchart symbols in the previous lecture. In a flowchart, the scene is represented by a diamond symbol. Option C is the right option. Next, part number 7 is in flowchart, which symbol uses only one flow line. Students, हम flowchart की examples discuss कर चुके हैं. इसके अलावा हमने flowchart symbols को भी detail में discuss किया है. तो टर्मिनल सिंबल, यानी कि वो सिंबल जो या तो फ्लो चार्ट के स्टार्ट को इंडिकेट करते हैं या फ्लो चार्ट के एंड को इंडिकेट करते हैं, उन सिंबल्स के साथ सिर्फ एक फ्लो लाइन होगी. अगर हम स्टार्ट सिंबल की बात करें जो ओवल शेप में है, उसमें से सिर्फ एक ही फ्लो लाइन निकलेगी, और अगर हम एंड सिंबल की बात करें तो उसमें एक ही फ्लो लाइन एंड होगी. तो टर्मिनल सिंबल्स वो सिंबल्स हैं जिनके साथ सिर्फ एक ही फ्लो लाइन यूज होती है. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. पार्ट नंबर 8 इज विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस फ्लो चार्ट सिंबल्स, और फ्लो चार्ट सिंबल्स में हमने देखा था रेक्टेंगल शेप इज यूज टू शो द प्रोसेसिंग, टू शो द कैलकुलेशंस, टू शो द ऑपरेशंस. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. रेक्टेंगल सिंबल इज यूज टू शो द प्रोसेस इन द फ्लो चार्ट, टू शो द कैलकुलेशंस इन द फ्लो चार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट नंबर 1 इज डैश टेक्निक्स आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख लें, ये हमने डिस्कस कर लिया है. पार्ट नंबर 2 इज अ डैश इज अ कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने इसी चैप्टर में डिस्कस की है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली प्रॉब्लम की एक डिस्क्रिप्शन है, क्लियर डिस्क्रिप्शन है, और इसी डिस्क्रिप्शन से हम आइडिया लेते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, इनपुट में क्या है, और रिजल्ट किस फॉर्म में आना चाहिए. नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 3. Dash involves performing actions or operations on our input data to achieve the desired goals and find the solution to the problem. Students, processing में ही actions होते हैं, operations होते हैं. Basically, processing problem solving का वो step है जिसमें हम calculations करते हैं, operations करते हैं to find the results, to find the output. तो यहाँ पे आएगा processing. Part number 4 is dash is a process of pictorial illustration for solving a problem. स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोसेस का वर्ड यूज हुआ है, तो प्रोसेस की वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लो चार्टिंग. अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात होगी देन विल राइट फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ पिक्टोरियल इलस्ट्रेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. पार्ट नंबर 5 इज द इनपुट आउटपुट इन अ फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश शेप. स्टूडेंट्स, हमने फ्लो चार्ट सिंबल्स में डिस्कस किया था इनपुट आउटपुट सिंबल को पैरेललोग्राम शेप से शो करते हैं. यहाँ पे आएगा पैरेललोग्राम. आंसर साथ साथ लिखते जाइए. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. तो हमने कॉलम ए के पॉइंट्स को कॉलम बी के पॉइंट्स से मैच करना है. फर्स्ट वन, वी हैव अ प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम इज अ हर्डल, तो इसको हर्डल से मैच करेंगे. ये ब्लू लाइन आपको शो करिए, ये प्रॉब्लम को मैच करिए हर्डल के साथ. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ये पिंक लाइन से
मैच किया गया है अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन है, क्लियर डिस्क्रिप्शन है, और इसी डिस्क्रिप्शन से आइडिया होता है कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. तो आप देख सकते हैं इस सेकंड वाले को पिंक लाइन के साथ मैच किया है कॉलम बी के लास्ट पॉइंट से. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द इनपुट. इनपुट मीन्स व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, यानी कि जो रॉ मटेरियल है, जो डेटा गिवन है. तो यहाँ पे इसको ग्रीन लाइन से मैच किया गया है. नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ प्रोसेस. तो यहाँ पे ये ब्राउन लाइन से मैच हुआ है, ये मैच कर लीजिए. फ्लो चार्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस की, जिसमें तमाम स्टेप्स को डिफरेंट सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. लास्ट वन वी हैव द आउटपुट. आउटपुट मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी वो फाइनल गोल जिसके लिए हमने तमाम स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो सोल्यूशन. तो इसको मैच कर दें व्हाट इज रिक्वायर्ड के साथ. इसको ब्लैक लाइन से शो किया गया है. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक. आज हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया है. यूनिट नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.